नमस्कार दोस्तों, इंस्टॉलर गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सुदीप। आज हम लोग एक लोकल लैन बैंडविड्थ टेस्टर टूल के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है आई प्रिप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई प्रिप की जो ऑफिशियल साइट है वो है iprip.fr। ये एक अलग ही डोमेन एक्सटेंशन में अवेलेबल है। ये फ्री टू यूज ओपन सोर्स टूल है जो आपकी नेटवर्क की बैंडविड्थ, मतलब आपकी होस्ट वन से लेके होस्ट टू के बीच में, मतलब दोनों होस्ट के बीच में क्या नेटवर्क बैंडविड्थ यूज़ हो रहा है उसकी टेस्ट करने में ये काम आती है। तो इसको आज हम लोग डाउनलोड करेंगे। इसकी ऑफिशियल साइट में आने के बाद हम लोग डाउनलोड बटन में क्लिक करेंगे। डाउनलोड बहुत तरीके की जो ओएस फैक्टर है उसके ऊपर अवेलेबल है, विंडोज़ के ऊपर अवेलेबल है, एंड्रॉयड, आईफोन, उबंतु, मैक, लिनक्स किसी के ऊपर भी ये अवेलेबल है। हम लोग विंडोज़ पे इसे हम लोग इंस्टॉल करेंगे। 64 बिट का मेरा मशीन है तो 64 बिट का लेटेस्ट वर्जन है 3.1.3। इसे हम लोग डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड मेरा कंप्लीट हो गया। इसे हम लोग कट करेंगे और इसे हम लोग रखेंगे हमारे सी ड्राइव के अंदर। सी ड्राइव के अंदर रखने के बाद इसका हम लोग पहले तो नाम चेंज करेंगे। इसका कारण मैं आगे बताऊँगा। नाम हम लोगों ने चेंज कर लिया तो ये मेरा डाउनलोडेड फाइल है जिसके अंदर एक DLL फाइल है और iPrep 3 का एप्लीकेशन फाइल है। अब हम लोग हमारे दूसरे क्लाइंट सिस्टम में जा रहे हैं, दूसरे एक सर्वर पे जा रहे हैं जहां पर सेम तरीके से हम लोग डाउनलोड करेंगे। इधर भी डाउनलोड कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसकी टेस्टिंग शुरू करेंगे, कैसे ये काम करते हैं इसे हम लोग चेक करेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे, CMD करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। उसके बाद इसकी डायरेक्टरी से जो हमारे iPrep वाली डायरेक्टरी है उसमें जाएंगे। तो अभी हम लोग iPrep वाले डायरेक्टरी में हैं। अभी हम लोग इसे दो मूड में हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे। पहला जो क्लाइंट होगा वो मेरा सर्वर होगा, दूसरा जो क्लाइंट होगा वो मेरा एज ए क्लाइंट एक्ट करेगा। तो यहाँ पर हम लोग कमांड रन करेंगे iperf3-s सर्वर लिसनिंग ऑन 5201 नंबर पोर्ट पे लिसन कर रहा है। तो हम लोग अभी दूसरे पीसी में आएंगे, यहाँ पर भी सेम तरीके से हम लोग CMD रन करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, डायरेक्टरी को चेंज करेंगे। यहाँ पर हम लोग जो कमांड रन करेंगे वो है iprep -c space उस पर्टिकुलर होस्ट की आईपी एड्रेस। तो उस पर्टिकुलर होस्ट की आईपी एड्रेस क्या है ये जानने के लिए हम लोग कंट्रोल पैनल में जा सकते हैं या आईपी कॉन्फ़िग का कमांड भी रन कर सकते हैं। हम लोग अभी कंट्रोल पैनल में जा रहे हैं। यहाँ पर इसकी जो आईपी एड्रेस है वो है 172.31.198.183। तो इसे हम लोग iprep के ज़रिए बैंडविड्थ चेक करेंगे। तो यहाँ पर लिसनिंग स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर दो टाइप ऑफ आपका बैंडविड्थ चेक हो रहा है, एक हो रहा है आपका बैंडविड्थ और एक है ट्रांसफर रेट। तो ट्रांसफर रेट मेरा ज़्यादा है, 7.91 GB पर सेकंड का स्पीड है और जो मेरा ओवरऑल बैंडविड्थ है वो है मेरा 6.79। ये फ्लैक्चुएटेड हो रहा है, 6.04 मिनिमम से लेके 7.43 मैक्सिमम आ रहा है। आप इसकी और कमांड रन करने के लिए आप सिंपली ये कमांड रन कर सकते हैं iperf3-h, तो आपको हेल्प की सेक्शन आ जाएगा जिसके अंदर आप इसको बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसकी इतने टाइप ऑफ फॉर्मेट है जिसका अंदर आप s जो है इसकी सर्वर है, c इसकी होस्ट कमांड है -c, H में आप हेल्प को हेल्प का बारे में जानेंगे, हेल्प की सारी टॉपिक्स यहाँ पर आएंगे। इसके अलावा सर्वर और क्लाइंट सेक्शन में आप पोर्ट नंबर, फॉर्मेट, इंटरवल, फाइल नेम, इस तरह से अलग 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 चीज़ों से टेस्ट कर पाएंगे। UDP, TCP अलग अलग प्रोटोकॉल में भी आप टेस्ट कर पाएंगे, टाइम फ्रेम को भी चेक कर पाएंगे। इस टूल की मदद से आप जो है सिंपली दोनों नेटवर्क पोर्ट के बीच में कोई भी अगर इंटरवेंशन हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, उसकी बैंडविड्थ अगर आपको लग रहा है प्रॉपर नहीं आ रहा है या पोर्ट पे कोई दिक्कत है वो आप आसानी से इस टूल के ज़रिए चेक कर सकते हैं। ये एक आपका क्लाइंट बना होगा, एक आपका सर्वर मोड पे होगा। अभी अगर हम लोग हमारे सर्वर वाले मोड पे अगर आते हैं तो यहाँ पर लिसनिंग चालू है। इसे आपको अगर क्लोज़ करना है तो कंट्रोल सी प्रेस करेंगे तो ये क्लोज़ हो जाएगा।
या आप वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। मान लीजिए इधर वाला जो क्लाइंट है इसको आप सर्वर मोड में करना चाहते हैं और इसमें स्पेसिफिक आईपी स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसको आप माइनस एस करेंगे तो ये एज ए सर्वर मोड एक्ट करेगा और जो नेक्स्ट आपका पहले जो सर्वर था वो आपको क्लाइंट बनाना है तो वो भी आप यहाँ से बना सकते हैं। उस सिनेरियो में आईपी चेंज होगा, जो पहले वाला सर्वर का जो आईपी है वो यहाँ पर आपको पिंग करना होगा। उसके लिए हम लोग एक बार इसकी आईपी चेक करेंगे। इसकी आईपी है 172.31.204.217। इसमें आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो ट्रांसफ़र रेट है पहले वाले जो पोर्ट है उससे ज़्यादा है, 9.4 GB का मेरा ट्रांसफ़र रेट है और बैंडविड्थ मेरा थोड़ा कम आ रहा है, इसमें 7.7 GBPS का आ रहा है पर सेकंड का। यहाँ पर सेंडर रिसीवर दो तरह की बैंडविड्थ आपको टेस्ट करने को मिलता है। तो इस तरह से आप दोनों PCO के बीच में या दोनों सर्वर के बीच में या कोई पर्टिकुलर नेटवर्क पोर्ट के बीच में भी आप टेस्ट रन कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं पर्टिकुलर पोर्ट में स्पीड की वैल्यूएशन क्या आ रहा है, इसमें कोई फ्लक्चुएशन आ रहा है कि नहीं या कोई पोर्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं आईप्रेप के ज़रिए। बहुत ही शानदार टूल है, ओपन सोर्स टूल है जिसके ज़रिए आप इजीली इस तरह का टेस्ट रन कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।